कितनी विचित्र बातें हैं। चीन में होली नहीं मनाई जाती पर गुलाल चीन का आता है। होली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन पटाखे लाइट सब चीन से आती है। राखी रक्षाबंधन चीन में नहीं मनाया जाता लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का यह सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। जो चीन बार बार हमें आंख दिखाता है उसे वैसे कमजोर कर दीजिए। यह हम सब की ड्यूटी है, हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। कोई भी बहन चीनी राखी लेके मत जाना अपने भाई के पास। कुछ नहीं है तो एक कलावा लेना और कलावा लेके बांध देना। चांदी सोने से राखी कीमती नहीं होती मेरे भाई बहन, राखी कीमती होती है तेरी भावना से। अगर अपनी भाई के लिए दुआ करोगे वो रक्षा सूत्र सिर्फ मात्र कलावा ही है। ये नवद्धो बलि राजा, ये जब आप बांधते हैं मूली कलावा ये उसी का प्रतीक है। एनवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो बहनों से निवेदन है चांदी सोने की राखी नहीं, अगर बांधनी हो तो भावना की दुआओं की राखी बांध दीजिए। चीनी कोई राखी मत लाइएगा, चीन का कोई सामान मत खरीदिएगा। अगर आप सब भारतीयों को मेरी ये बात अच्छी लग रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिस दिन राखी आए कोई बहन कोई भी बहन चीनी राखी ना खरीदे। देखो तालियां बजाना इसके बाद, जैसे चीन के किसी भी माल की कोई गारंटी नहीं है वैसे ही चीन की हर वस्तु को यूज करने वालों की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर तुम्हारे भाई से संबंध अच्छे ना हो तो चीनी राखी ले आना, और अगर भाई से संबंध अच्छे हो तो चीनी राखी मत बांधना। इस बार हिंदुस्तान की राखी हिंदुस्तान के भाई के हाथ में बंधे तो हिंदुस्तान 4 कदम आगे बढ़ेगा, यह मेरा विश्वास है। क्या बोलना पड़ेगा? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप सच्चे भाई हैं, अगर आप सच्ची बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं या सुन रहे हैं इसे आगे शेयर कर दीजिए। जब तक राखी आए, जब तक रक्षाबंधन आए, हम सब तक ये मैसेज इतना पहुंच जाए कि चीन का डब्बा गोल हो जाए। चीन का डब्बा कौन कौन चाहता है? चीन का डब्बा गोल हो जाए। जो जो चाहते हैं भारतीय होने का फर्ज अदा कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चीन का डिब्बा गोल कीजिए। बस राधे राधे बोलना पड़ेगा।